पर अभी मैं जा रहा हूँ कुनिगाड़ हीरा बाजार है, तो बारात ने मतलब हीरा बाजार से जाया है शायद सिमलखेत साइड। आज के ब्लॉग की शुरुआत मालकोट से हो रही है और अभी मैं जा रहा हूँ कुनिगाड़ हीरा बाजार, जिसे हम अपनी गढ़वाली में हिरली बाजार के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ से जरा ऊपर एक गांव है, कुछ 100-200 मीटर या कम से कम 500 मीटर के करीब पैदल रास्ता है, वो तय करना है, फिर मैं पहुँचूंगा शादी वाले घर में। वहाँ चाचा श्री और साथ में पहाड़ी पंकज दोनों कैमरा मैन है, वहाँ पर मेरा काम ड्रोन का है। तो बारात ने वहाँ से मतलब हीरा बाजार से जाना है शायद सिमलखेत साइड, तो बस वहीं के लिए अभी अग्रसर हूँ मैं। और आज मौसम इतना प्यारा हो रखा है, पिछले एक दो दिन से जो है पहाड़ों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जिस कारण ठंड बनी हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना मोटा जो है मैंने ये मतलब क्या बोलते हैं अपर टाइप पहना हुआ है। चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत और इसी के साथ करते हैं सफ़र शुरू। तो दगड़ियों, मालकोट बाजार से यात्रा हो गई है प्रारंभ। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि आज का मौसम काफ़ी सुहाना है, कल रात ही बारिश हुई है और उसके साक्ष्य आपको रोड पर देखने को मिल सकते हैं। रोड बिल्कुल गीली हो रखी है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो रखा है। ठंड बढ़ गई है और गर्मी कुछ समय के लिए तो चलो गायब ही हो गई है। और अब मैं पहुंच चुका हूं गड़ौत गांव के समीप और ये आपके सामने है गड़ौत गाँव का नज़ारा। मौसम देख कर तो आज दिल खुश हो गया है बिल्कुल, बाकी उम्मीद है आपको भी पसंद आ रहा होगा। ये गड़ौत गांव के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं रायकोट गांव में और ये आपके सामने डैश कैम की सहायता से रायकोट गांव का सुंदर नज़ारा, सड़क के किनारे पे बसा हुआ सुंदर गांव है ये। और अब ये है आपके सामने महलचोरी से खनसर घाटी को जोड़ने वाला पुल, जिसे हम अपनी गढ़वाली भाषा में मोटिया पुल के नाम से जानते हैं। हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो मोटिया का पुल या कुछ और भी हो सकता है। बाकी यहाँ से महलचोरी तक पहुँचने के लिए आपको कुछ इसी प्रकार की सड़क दिखाई देगी, बिल्कुल पहाड़ के साथ और नदी के साथ साथ चलती हुई सड़क है। तो अब मैं महलचोरी बाज़ार के समीप पहुँचने वाला हूँ और यहाँ से मुझे लेफ्ट हैंड साइड पंडवा खाल की ओर जाना है, क्योंकि वहाँ से होते हुए मैं जाऊँगा कुनिगाड़ क्षेत्र में। और यदि आपको कर्णप्रयाग जाना है तो आपको पुल से राइट हैंड साइड की ओर लेना पड़ेगा। तो बस अब महलचोरी बाज़ार से होते हुए मैं चल पड़ा हूँ पंडवा खाल बाज़ार की ओर। और हाँ, पहाड़ों में गाड़ी चलाने का तो अपना ही मज़ा है, लेकिन यहाँ की रोड और परिस्थितियों को देखते हुए छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है मोस्टली पहाड़ों में सिंगल लेन रोड होती है और साथ में दुनिया भर की मोड़, तो किस मोड़ पर कौन सी गाड़ी कब सामने आ जाए कुछ पता नहीं। तो दो चीज़ों का ध्यान रखो, बेसिक चीज़ें हैं, एक तो अपनी गाड़ी अपनी लेन पे चलाओ, बिल्कुल दबा के चलो, और साथ में मोड़ पर ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाओ ताकि आप भी सुरक्षित रहें और सामने मोड़ से जो भी गाड़ी वाला आ रहा है वो भी सचेत हो जाए और अपनी स्पीड और अपने तरफ वो गाड़ी को मोड़ ले। तो ये कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए अगर आप पहाड़ों में मतलब गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। बाकी नज़ारे तो क्या ही बताएं, कितने खूबसूरत नज़ारे और बिल्कुल हरियाली के बीच होते हुए हम जो है अपना सफ़र तय कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं पहुंच गया हूं अब पंडवा खाल में और यहां से अब मैं राइट हैंड साइड को जाऊंगा कुनिगाड़ की ओर। यदि आपको चौखुटिया जाना है तो आप सीधा जाएंगे, मैं राइट साइड को मुड़ गया क्योंकि मुझे जाना है कुनिगाड़। और अब यहाँ से हिरुली बाज़ार तक का जो सफ़र है वो शुरू होता है। और हाँ, इस रोड पर आजकल रिपेयर का काम चल रहा है, तो पूरी जगह आपको रोड पर या तो काम करते हुए लोग दिखेंगे, मशीनें दिखेंगी, या पूरी रोड आपको खुदी हुई दिखेगी। तो मतलब इस रोड के बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं। तो चलो, रिपेयर का काम चल रहा है तो उम्मीद ये है कि जल्द ये कार्य पूर्ण होगा और फिर हमको ये एक बहुत ही बेहतरीन सी रोड देखने को मिलेगी।
लेकिन जब तक काम चलता है रिपेयर का तब तक तो कुछ असुविधा रहती है, लेकिन उसके बाद फिर जो सुविधा मिलेगी उसके तो क्या ही कहने, है ना। तो बस सब इसी रोड से होते हुए अब मैं बढ़ चला हूँ हिरुली बाजार की ओर, और वहाँ तक तो उस पैदल गाड़ी का सफर करते हुए उसके बाद वहाँ मैं पहुँचूँगा गड़ीधार, शुरू हो जाएगा जहाँ मुझे जाना है शादी में। और दगड़ियों मैं पहुंच चुका हूं हिरुली बाज़ार में। गाड़ी तो यहीं पार्क करनी पड़ेगी, लेकिन जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा आगे जाके दूर गाड़ी खड़ी करता हूं मैं, और फिर मिलता हूं आप सभी से। तो दगड़ियों पहुंच गया हूं मैं हीरा बाज़ार, और यहां से अब है पैदल रास्ता शुरू। मतलब हीरा बाज़ार से थोड़ा आगे मैंने गाड़ी पार्क की है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और पूरे रास्ते भर आपने देखा जो है कार्य चल रहा है, रोड सुधार कार्य चल रहा है, कहीं पर रोड चौड़ीकरण कार्य चल रहा है। चलिए करते हैं अपनी यहाँ से बारात घर तक की यात्रा शुरू। तो दगड़ियों उधर पेड़ के पास गाड़ी खड़ी कर दी है मैंने, और अब वहाँ से इधर पुल पार करते हुए यहाँ से ऊपर अब ये रास्ता है सस्कोट, जहाँ शादी में जाना है मैंने। अब कुछ इन गलियों से होते हुए जाना है मैंने बहुत ऊपर। तो दौड़े हो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई है। अपने गांव की चढ़ाई तो आदमी जैसे तैसे पार कर लेता है, लेकिन जब बारी दूसरे गांव में जाने की होती है तो ऐसी हालत खराब होती है ना, अभी मेरे शब्द भी नहीं निकल रहे ढंग से। बाकी गांव के समीप पहुँच गया हूँ मैं, ढोल धमो की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही है, तो टांगों में थोड़ी सी जान वापस आई है। चलिए चलते हैं फटाफट और पहुंचते हैं बारात वाले घर के समीप। चलो जी। तो दगड़ियों अब बाजार से प्रस्थान हो रहा है बारात का, और चलते हैं सीधा सिमलखेत दुल्हन के घर की ओर। चलिए अब आपको यहाँ से दुल्हन के घर तक का जो शानदार रास्ता है उसके दीदार करवाता हूँ। फिलहाल तो मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, चाचा श्री गाड़ी चला रहे हैं, और हमारे पहाड़ी पंकज
जो रास्ते की खूबसूरत वीडियो है वो अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। तो दगड़ियों, अब हीरा बाजार से बारात निकल चुकी है और रामपुर होते हुए बारात पहुंचेगी सिमलखेत। फिलहाल आप हीरा बाजार का ये खूबसूरत सा ड्रोन व्यू इंजॉय कीजिए और अब पूरे रास्ते का आपको व्यू दिखाऊंगा मैं ड्रोन और डैश कैम दोनों की मदद से। चलिए करते हैं यात्रा प्रारंभ। और हाँ, हीरा बाजार से रामपुर तक की जो ये रोड है, इस रोड की हालत भी क्या ही बोलूँ मैं, आप वीडियो के माध्यम से देख ही लीजिए। बाकी जितने समय से मैं इस रोड को देख रहा हूँ, इसकी हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। बस आजकल थोड़ी ज़्यादा ख़राब इसलिए हो गई है क्योंकि रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, तो जो सिंगल लेन था इसको थोड़ा सा 1.5 मतलब जो डेढ़ लेन बोल सकते हो आप, वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बाद आएगा भनोटिया, तब तक मतलब भनोटिया क्या, आप ये लगा लीजिए कि रामपुर पहुँचने तक इस रोड की ऐसे ही हालत रहेगी। और अब हम पहुंच चुके हैं भनोटिया गांव में। तो यहां से करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर स्थित है। फिलहाल आप भनोटिया से रामपुर तक का ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए और मिलते हैं आपको सीधा रामपुर में। और दगड़ियों, अब हम पहुंच चुके हैं रामपुर बाजार के समीप और यहां से बस थोड़ी दूर बाद हमें यू टर्न लेना है क्योंकि ये रोड सीधा जा रही है आपका चौखुटिया बाज़ार की ओर और हमें यहां से पंडवा खाल की ओर मुड़ना है, तो उसके लिए हमको यहां पे यू टर्न लेना पड़ेगा। तो बस अब हम चल दिए हैं पंडवा खाल रोड पर और यहीं से करीबन 4-5 किलोमीटर के बाद सिमलखेत है जहां हमें बारात में पहुंचना है। तो दगड़ियों, अब हम पहुंच चुके हैं दुल्हन के घर के समीप और यहाँ इतनी गाड़ियाँ देखकर लग रहा है कि यहीं पे गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं गाड़ी पार्क करता हूँ और फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो दगड़ियों, पहुंच चुके हैं बारात घर के समीप, अब रोड से नीचे उतरना है और यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था। तो दगड़ियों,
जो शुरू का कार्यक्रम था वो तो हो गया है, जयमाला अभी शेष है और उससे पहले भोजन करके आते हैं हम। पहली बार ऐसा हो रहा है कि फोटोग्राफर फ्री हो गए हैं, क्योंकि हमारे घर पहुंचते ही दुल्हन बिल्कुल रेडी थी एकदम, और इन्होंने जो सिंगल फोटोशूट था वो वगैरह वो किया, और अब चलते हैं भोजन स्थान की ओर। भोजन की व्यवस्था कर रखी है, सीधा बता जान यहाँ पंडित जी वाला है, हम जाएंगे बम्फर सिस्टम, खाओ उठो और भागो, यहाँ तो बैठ गए जब तक सब नहीं खाए तब तक कोई नहीं उठेगा, ये बात जान। और हम भी बम्फर की लाइन में लग गए हैं, और इस साइड पंडित जी वाली लाइन है, देखो पंगत। तो दगड़ियों, जयमाला संपन्न होती है और इसी के साथ मेरा कार्य भी यहाँ का संपन्न होता है। तो चलिए अब पहले तो रोड तक पहुँचना है, ज़्यादा नहीं 100-150 मीटर है, और उसके बाद फिर अपनी गाड़ी से मालकोट तक का। गाड़ी में पहुँच चुका हूँ और गाड़ी ऐसी गर्म हो रखी है ना। तो चलिए दगड़ियों, अब सिमलखेत से घर वापसी का समय हो चला है, काफ़ी बेहतरीन शादी रही, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने भी इंजॉय किया होगा, और अब यहाँ से पंडवा खाल महल चोरी होते हुए वापस मालकोट पहुँचना है जल्द से जल्द। और दगड़ियों, अब मैं पहुँच चुका हूँ पंडवा खाल बाजार, और अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर महल चोरी बाजार है, और उसके बाद फिर अपना मालकोट का बाजार, जहाँ से फिर पैदल रास्ता तय करेंगे हम ऊपर अपने गांव देवाखर्क तक का। और दगड़ियों, इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं अपने बाज़ार मालकोट में। तो चलिए गाड़ी पार्क करता हूं और फिर मिलता हूं आपसे। तो दगड़ियों, मालकोट पहुंच गया हूं, बाकी थोड़ा बहुत सामान है उनको बैग में एडजस्ट करता हूं, और किस्मत से भाई लोग भी गांव वाले सभी यहीं हैं, मैच खेल रहे थे तो उनका भी अभी आना हुआ, मेरा भी यहाँ पहुँचना हुआ, तो साथ साथ करेंगे चढ़ाई का सफ़र एक साथ मिलकर ना। तो दगड़ियों, आधा रास्ता हो गया है तय, और अब यहाँ से इधर वाले इधर, हम ऊपर
ये आधे दिक्कत वाले हैं। चलो ओके ठीक है सर, चलो ओके चलो ओके ओके गुड नाइट शुभ रात्रि। प्रदीप की कल छुट्टी खत्म हो रही है, कल जा रहा है ये नौकरी ज्वाइन करने। तो दगड़ियों घर पहुंचते पहुंचते रात्रि हो चली थी और अब व्लॉग को विराम देने का समय आ चुका है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आजकल IPL चल रहे हैं, लगातार मैचेस चल रहे हैं और अभी भी फिलहाल मैच देख रहा हूँ मैं। शानदार टूर्नामेंट है, बहुत ही बेहतरीन आजकल सारे मैच चल रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।